हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, है ना, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। ठीक है, तो आज बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पढ़ते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। बायोलॉजी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? बायोस, बायोस कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉज और क्या होता है, लॉगस। लॉगस, ठीक है, बायोस और लॉगस दो शब्दों से मिलकर आपका बना है क्या? बायोलॉजी। ठीक है, बायोस का मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन, जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और तुम्हारा लोगोस का मतलब होता है आपका अध्ययन। क्या होता है आपका? अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, तो जीवन को, जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और अध्ययन मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी। तो आप हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी। ठीक है, तो हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं जीवधारियों के अध्ययन को, जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है बायोस, एक होता है लॉगस। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है जीवन, जीवन मतलब लाइफ। ठीक है, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन करना या स्टडी करना। तो आप कह सकते हो कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जितने भी जीवधारी है, जीवधारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपकी कौन है? अरस्तु। कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, मतलब कि जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है ना। तो आपको समझ में आ गया है ना, जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। अरस्तु, ठीक है। अब देखिए, जीव विज्ञान को हम दो चीजों में बांटते हैं। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया है, जीव विज्ञान, जीव, सजीव किसे कहते हैं? सजीव, सजीव का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी क्या होंगी? जंतु होंगे और क्या होंगे? पादप। क्या होंगे? पादप। जंतु मतलब एनिमल, एनिमल, पादप प्लांट। हम किसी एक को सजीव नहीं कह सकते हैं, तो उसमें जंतु भी होगा आपका और क्या होगा? पादप। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सजीव। क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अब देखिए, एक तो आपका जंतु हो गया, एक आपका क्या हो गया? पादप। अब बायोलॉजी को क्या है कि दो भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में, एक हम बांटते हैं जंतु में बांटते हैं और एक
पादप में, ठीक है। तो बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान दो भागों में हम बांटते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और एक आपका है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान एनिमल साइंस, जंतु विज्ञान को हम कहते हैं एनिमल साइंस, तो ये है जो जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वनस्पति बॉटनी, ठीक है। तो हम जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका है जंतु विज्ञान, एक आपका है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल में आपका जंतु विज्ञान में आते हैं, और जितने भी आपके पादप हैं, चाहे वो कवक हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो आपकी वनस्पति हो, है ना, ये सभी पेड़ पौधे, हरे पौधे, ये सभी किस में आते हैं? आपके वनस्पति विज्ञान में। आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो आपके जंतु विज्ञान के पिता है आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु, अरस्तु, कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान करते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज जो है किसने की थी? अरस्तु में। अब ध्यान दीजिए, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। जितनी भी झाड़ियां, जितने भी हरे पेड़ पौधे है ना, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं? वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। वनस्पति के अंतर्गत क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसी को हम कहते हैं जूलॉजी, इसी को कहते हैं बॉटनी, है ना। अब देखिए आपका जूलॉजी में क्या क्या आता है, जूलॉजी में क्या आता है, इसके अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। जूलॉजी में ध्यान दीजिए, जूलॉजी में जो होता है सबसे पहले आपका है टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्ग की, वर्ग की, ठीक है। देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब यह होता है कि उनके भागों में, मतलब उनको बांट दिया गया, ठीक है, उसको बांट दिया गया, मतलब विभाजन कर दिया गया कि हाँ ये क्या नाम के, ये इस जगत के हैं, वो उस जगत के हैं, है ना, ये जंतु जगत में आते हैं, ये पादप जगत में आते हैं, ना। तो क्या किया कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, कहाँ के? स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया कि इनको दो जगत में बांट दिया, है ना। जूलॉजी को किसने जगत में बांट दिया? दो जगतों में बांट दिया। कौन कौन सा है? एक तो आपका बांट दिया, एक तो बांट दिया आपका जंतु जगत में, एक तो बांट दिया आपका जंतु जगत में, जंतु जगत, और एक आपका बांट दिया पादप जगत। भाई हमारे पृथ्वी पर लाखों अरबों प्रकार के जीव हैं, लाखों प्रकार के पौधे हैं, है ना। तो क्या कैसे उन्होंने बांटा? कुछ जीव ऐसे थे कि एक कोश के थे, कुछ जीव ऐसे थे कि बहु कोश के थे। तो उन्होंने दो
भागों में जब बांटा तो पादप को अलग कर दिया और जंतु को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जंतु में तुम्हारे जो एक कोशिकीय थे, एक कोशिकीय जंतु में तुम्हारे बहुकोशिकीय आते थे, बहुकोशिकीय और आपका एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव को किसमें रख दिया उन्होंने, जंतु जगत में, ठीक है, किसमें रख दिया उन्होंने, जंतु जगत में। और पादप जगत में क्या हुआ, पादप जगत में उन्होंने क्या क्या रखा, इसमें हरे पौधे, हरे पौधे, कवक, ठीक है, हरे पौधे, कवक, है ना, बहुकोशिकीय पादप, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय पादप, है ना। तो जो स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल स्वीडन ने उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इतने इतने हमारे पृथ्वी पर पौधे हैं, इतने इतने जंतु हैं, हम इनको कैसे अलग करें, है ना। तो उन्होंने अलग करने की तकनीकी बनाई कि पादप को आप अलग कर दीजिए और जंतु हैं उनको अलग कर दीजिए। तो उन्होंने अलग करने के लिए उन्होंने खोजा एक जन, एक जीन और एक स्पीसीज, जीन और स्पीसीज को बताया कि किसी की जाति हो सकती है, किसी का वंश हो सकता है, इसके हिसाब से हम इनको अलग कर सकते हैं, है ना। तो एक आधुनिक 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 वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस कहा, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। तो आप समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान जो है दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका जंतु विज्ञान हो गया, एक आपका वनस्पति विज्ञान हो गया। जंतु विज्ञान के पिता है तुम्हारे अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता है तुम्हारे थियोफ्रेस्टस, है ना। अब इसमें एक टैक्सोनॉमी आई, अब इसके बाद में क्या आया, टैक्सोनॉमी आई। टैक्सोनॉमी में क्या कहा कि भाई बांटने में सबको बहुत ही परेशानी हो रही थी, तो स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल लीनियस ने जो है उन्होंने ये बताया कि हम ये काम करते हैं कि जंतु को अलग बांट देते हैं और पादप को अलग बांट देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो जगह टू किंगडम उन्होंने उनको कहा जाता है, और इसीलिए उनको ये कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण का जनक। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही इसकी खोज की। तो आप लोग इस पे बढ़िया अध्ययन करिए और हम बहुत अच्छे से आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, है ना। अब फाइव किंगडम में आपका आता है कि जब फाइव किंगडम आर्य छोटकर ने दिया 1969 में, तो उन्होंने क्या किया कि पादप में भी डिवाइड कर दिया और जंतु में भी डिवाइड कर दिया। उन्होंने एक कोशिकीय को अलग कर दिया, बहुकोशिकीय को अलग कर दिया। इसी तरीके से पादप में भी क्या किया कि उन्होंने भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को सबको अलग अलग एक संघ दे दिया, एक फाइलम दे दिया और उसी में उनको ले जाके स्थित कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट का वीडियो में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हम आगे इसी तरीके से आपके साथ लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, और आप अच्छे से आप इसकी स्टडी करिए, और जहाँ पे डाउट हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।